एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आपका स्वागत है एक न्यू व्लॉग में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। सबसे पहले चाय दूध का काम करते हैं और फिर अपना व्लॉग भी शुरू कर लिया कि चलो। और मैंने कल जैसे कि वीडियो में बोला था कि 22 तारीख की राधा अष्टमी है, तो प्लीज़ मुझे कन्फर्म कर दो कमेंट करके कि राधा अष्टमी 22 तारीख की है या फिर 23 तारीख की है, क्योंकि मैंने जैसे जो जितना मतलब मैंने देखा है, मुझे 22 तारीख की भी बोल रहे हैं और 23 तारीख की बोल रहे हैं, पर पक्का ये नहीं पता है कि 22 की है कि 23 की। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि राधा अष्टमी 22 तारीख की है या फिर कन्फर्म आप 23 की कर रहे हो या फिर 22 को कर रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कभी मैं फिर ऐसे ही रह जाऊँ। मंटू हाँ जी बेटा, बैठ के आराम से बैठ के आराम से बैठ के। मैंने सोचा अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स से ही पूछते हैं, वही बताएंगे कि कब की है पक्का, है ना। ये रही हमारी चाय, मलाई वाली। हाँ जी, हम मलाई वाली चाय पियेंगे आज, आप लोग भी पी लीजिए। और आज देखिए मैं कप में चाय ले रही हूँ, जो कि बहुत कम होता है कि मैं कप में चाय। मुझसे खाली चाय पीने का मन नहीं कर रहा था और घर में बिस्किट वगैरह कुछ थे भी नहीं, तो मैंने अभी पाखी को भेजा, मैंने कहा बेटा एक बिस्किट का पैकेट ला के दो, मतलब मन नहीं हो रहा खाली चाय ना पीने का बिल्कुल भी, तो वो बिस्किट लेने गई है। वो कर लो जो जो खाओ, तो आप भी सुन ले। मैं नहीं खाती, क्यों खाऊं मैं? सुन के देखो कितनी बड़ी सुन ना एक मिनट मांटू। नाक को मजाक करती ना, नाक को हाँ मैं ना करती मजाक मजाक नहीं करती मम्मी, पर पट इतनी जोर का मारूंगी दीवार में को निकल गया, उधर जाकर पड़ेगी अभी। बेटा मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा अभी? हाथ हाथ मुंह धो अच्छे तरीके से और पूजा कर। और यहाँ पे आज शाम का खाना बनाने के लिए मैं 6:15 बजे लग गई थी। मेरा ये था कि मैं सब्जी बना के रख दूँ, जवाई बना के रख दूँ, आटा लगा के रख दूँ, बर्तन साफ़ करके रख दूँ, जो कि मुझे सिर्फ रोटी रोटी डालनी रह जाए, क्योंकि वो कोर्ट से आ जाएंगे तो फिर मुझे राधा रानी के लिए जो है वो सामान लेने जाना है। राधा अष्टमी है तो उसकी तैयारी भी मैं सोची हूँ, टाइम के टाइम मेरी सारी तैयारी होती है, इस बार मैं थोड़ा सा पहले ही ला करके रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे आपको पता ही है अनाया का बर्थडे भी है, अनाया सॉरी पाखी का जन्मदिन भी है, तो उसके लिए मुझे घर की साफ़ सफाई करके आनी है, गांव जाना है। और मेरे सूट के वीडियो भी नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि पाखी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और इस टाइम पे मेरे लिए सबसे ज़रूरी है कि पाखी के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, तभी जो है मुझे भी चैन की सांस आएगी। ये मैं डब्बा इसलिए दिखा रही थी, मम्मी को दिखा रही हूँ, मम्मी मेरे जमे ख़त्म हो गए तो मेरे लिए थोड़े से जमे और तोड़ दो। जैसे ही इसीलिए मेरी सूट की भी कोई वीडियो नहीं आ रही है, ना ही मेरा मतलब वो आया रखा है, मतलब कलेक्शन मेरा आया हुआ रखा है, बट मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि पाखी के एग्ज़ाम चल रहे हैं इसीलिए। अरे बेटा फ़ोन चार्जिंग पे लगा दो। आगे मैडम जी ना आगे कैसी हो गए उन्नी मली बट के आप
अभी इस आदत पड़ गई। टिक्की बन गई हमारी भिंडी भी, थोड़ी ही कसर रह रही है बस। मैंने लोहे की कढ़ाई में भिंडी बनाई है, इसको ढक देते हैं। जमे भी हमारे बन ही रहे हैं, तब तक दो चार बर्तन हैं इनको साफ कर देती हूँ। और अभी साथ के साथ में जो भी बर्तन है वो भी साफ़ कर देती हूँ, तो मेरा किचन का काम सारा ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ मुझे रोटी बनानी रह जाएगी। अरे वाओ, बैठ जाओ आराम से, पिछ सो जाओ छोटा, सो जाओ, हाँ पीछे को सो जाओ छोटा, ये सो जाओ छोटा, छोटा ये सो जाओ, सो जाओ सो जाओ। हाँ ये पंखा चल रहा, चल रहा है पंखा। क्या करोगे? देखो जय छोटा, जय 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 छोटा जय, छोटा छोटा जय, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। किसे बुला रही? हमारी मैम सो गई। मैम गुड नाइट। अपने आप नहीं बाय। अच्छा देखो ये कौन है, क्या लिखा है यहाँ? तो नजदीकी घूम तो चलो, 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 घूम तो चलो। तो जी मैं अभी मार्केट गई थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि राधा अष्टमी है, तो राधा अष्टमी के लिए वही जैसे कि जन्माष्टमी के लिए कान्हा जी के लिए सारी चीज़ें आती हैं, तो वैसे ही राधा अष्टमी के लिए भी। ये तो लाई हूँ मैं ड्रेस ब्लू कलर की, और गोपाल जी की मैं ड्रेस नहीं लाई हूँ क्योंकि मेरे पास में गोपाल जी की एक न्यू बिल्कुल ड्रेस जो है वो रखी हुई है। मैं चलिए दिखा देती हूँ अभी सी में रखी होगी तो, जो कि मैंने अभी तक मतलब, हाँ ये वाली एक, ये वाली ड्रेस जो है वो बिल्कुल नई रखी है, तो इसीलिए मैं दूसरी नहीं लेके आई हूँ। तो एक इसमें गोपाल जी की और एक राधा जी की जो है वो हमारे ड्रेस हो गई। ठीक है जी, अभी बढ़ते हैं आगे। और एक ये वाली स्टिक धूपबत्ती ये वाली है, और एक स्टिक ये है, इनकी अलग अलग बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। और एक धूपबत्ती मैं लेके आई हूँ,
ये गीले वाले। तो ये तीन तरीके की जो है वो धूप बत्ती है। दूसरा जो और सामान है वो है ये हमारे राधा रानी के बाल। ये देखिए मैं इस तरीके के जो है इस बार बाल लेके आई हूँ राधा रानी के, बहुत ही अच्छे से बड़े हैं और बहुत सिल्की हैं। और दूसरा ये कुछ इस तरीके का जो है वो डिज़ाइन बना हुआ है। राधा अष्टमी 22 की और 23 की दो दिन की बता रहे हैं। कुछ कमेंट भी आ रहे थे मुझे कि दीदी ऐसे भोग बनाते हैं ये, तो जी हाँ मैंने जैसे पिछली बार की थी तो इस बार थोड़ा थोड़ा सा वो है। मुकुट नहीं लाई हूँ, ये जो जूड़ा बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं जो यहाँ माथे पे राधा रानी के लगाया जाता है वो मैं लेकर के आई हूँ ये वाला, ठीक है जी। और एक ये वाली माला है और एक ये बड़े वाली माला है। और इसी वाले पैकेट में और राधा रानी का टीका है, नथ है और बालियाँ हैं, सारी चीज़ें ये हो गई। दो है राधा रानी की चुनरी, एक ये है, मुझे दोनों अच्छी लगी तो मैंने ये दोनों ही ले ली। एक है ये वाली बहुत ही प्रिटी सी, बहुत ही अच्छी सी, दो ये चुनरी हैं। और सिंहासन के लिए ये कुशन दो जोड़ी, राधा रानी के लिए और एक मेरे गोपाल जी के लिए, ठीक है जी। ये हो गया। और ये है चूड़ियाँ जरकन में, मल्टी कलर में है ये वाले। जब जिस दिन राधा रानी और हमारे कान्हा जी तैयार होंगे, बाकी उस दिन ये ग्लू लाई हूँ मैं, मतलब बिंदी वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगाने के लिए चाहिए होती है। और फाइनली बेड तो थे मेरे पास में कान्हा जी का भी और हमारी राधा रानी का भी। ये देखिए बेड तो मेरे पास में है बट मेरे पास जो है वो नहीं था उनके डालने को, भी कितना टाइम नहीं मिलता है मुझे बिल्कुल भी कि मैं खुद से बना लूँ या कुछ कर लूँ, वरना ये घर में इजीली बहुत अच्छे से जो है वो बन जाएंगे और बहुत अच्छे भी बन जाएंगे, पर बात वही है कि टाइम सारा। ये देखिए ये नीचे बिछाने के लिए और ये कुशन और ये उड़ाने के लिए चादर। और ये हो गया हमारे गोपाल जी का। इस वाले ना मंदिर में मतलब वो लग के ना ये इन्वर्टर वगैरह तो जगह थोड़ी सी कम पड़ती, मैं भी आपको ना बैक कैमरे से दिखा दूंगी। ये हो गया हमारे गोपाल जी का। सर्दियों के लिए तो मैं खुद ही बनाऊंगी, कमली लेकर के आऊंगी एक नई, उसी से बनाऊंगी। ये बिछाने का तो ये रहेगा, उड़ाने के लिए कम्बल जो है वो उसी में से बन जाएगा। चलिए मैं आपको बेड दिखा देती हूँ एक बार। ये वाले बेड हो गए हमारे, ये हमारे गोपाल जी का बेड है ये वाला, और ये हो गया हमारे राधा रानी का। तो जी दोनों बेड जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब इन पे मैं क्या करूँगी कि सर्दियों में इसी इन्हीं के ऊपर कम्बली एक ला कर के नई और उसमें से दो कम्बल बन जाएंगे उड़ाने के लिए, ठीक है जी। कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर। और ये रे आप दर्शन भी कर लो कान्हा जी के और हमारी राधा रानी के। तो जी बस यही सारी चीज़ें जो है वो मैं लेकर के आई थी अभी, और अभी खाना बनाऊंगी, रोटी रोटी बनानी बाकी है। वैसे मेरे सारे खाने की तैयारी करके मैं गई थी कि अभी मुझे आकर के कुछ ना करना पड़े, फिर रोटी रोटी बना लूँगी। तो चलिए अभी वीडियो का कर देते हैं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, कैसा लगा आप लोगों को हमारे राधा रानी का श्रृंगार जो मैं लेकर के आई हूँ, कैसे लगे आप लोगों को ये बेड बिस्तरे जो भी चीज़ें लेके आई हूँ कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और जिस तरीके से मैं जब पहली बार राधा रानी को लेकर के आई थी उनका पूरा बहुत ही उत्साह के साथ में मैंने सब कुछ, उनका जन्म भी और उनको जिस तरीके से भी सारी चीज़ें होती है जब हम पहली बार राधा रानी को लेकर, जितना मतलब मुझे पता था मैंने उतना किया था। मुझे नहीं पता देखिए इस तरीके से मैं ये बोलूँ कि मुझे मैं पूजा पाठ जो है वो हर विधि विधान से करती हूँ, जी नहीं, जितना मुझे आता है मैं उस हिसाब से करती हूँ, क्योंकि देखिए छोटा बच्चा भी है, बस
मेरा मानना ये है कि एक सच्ची आस्था होनी चाहिए भगवान जी में, और वो मेरा है, मतलब जितना भी वो करती हूँ उतना मेरा है भगवान जी के साथ, और साथ भी बहुत देते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेरी, मतलब हर एक परेशानी, मेरे हर एक दुख से जो है मुझे वो बाहर निकालने वाले भी मेरे कान्हा जी हैं और मेरी राधा रानी हैं, हर वक्त इनका साथ है मेरे साथ में, जो मुझे बहुत कुछ करने के लिए, अच्छा करने के लिए मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी रहती है कि कुछ अच्छा करना है, बस वो वाली चीज़। चलिए जी, बहुत सारी बातचीत हो गई, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी रात भी होने वाली है तो ये सारे जितने भी बर्तन हैं जैसे पूजा पाठ के यहाँ पे, मैं सारे हटा देती हूँ, रात में ही साफ करके रखती हूँ सारे बर्तन, जितने भी दिए वगैरह जो भी है, तो सब कुछ जो है वो रात को ही साफ हो जाता है फिर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।